ભરૂચના વાઘરા વિધાનસભા મત વિસ્તારના આલિયાબેટ પર રહેતા મુસ્લિમ જટ જાતિના મતદારોએ ઉત્સાહભેર મતદાન કર્યું ભરૂચ જિલ્લાના અરબી સમુદ્ર તેમજ નર્મદા નદી સંગમ પર આવેલા આલિયાબેટ વિસ્તારમાં વસતા મુસ્લિમ જટ જાતિના મતદારોએ ઉત્સાહભેર મતદાન કર્યું હતું વહેલી સવારથી જ મતદારો મતદાન કરવા માટે ઉમટી પડ્યા હતા વહીવટીતંત્ર દ્વારા બેટ વિસ્તારમાં વસતા મતદારો માટે કન્ટેનરમાં બુથની વ્યવસ્થા કરી મતદારો માટે આગવી વ્યવસ્થા કરી મતદાન માટે આગવી વ્યવસ્થા કરી સવારથી જ મતદાન માટે મતદારોની કતારો જોવા મળી હતી આલિયા બેટ પર વસતા મોહમ્મદભાઈ હસનભાઈએ જણાવ્યું હતું કે અમે અહીંયા વર્ષોથી રહીએ છીએ અહીં પાંચસોની વસ્તી છે વર્ષોથી અમે અહીંયા વસ્યા છીએ બે હજાર બાવીસથી બે હજાર ચોવીસ સુધી જે પણ ચૂંટણી થઈ તેમાં અમે પૂરું મતદાન કરીએ છીએ સરકાર દ્વારા મતદાન માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે સારી સારી વાત છે અમારે દૂર સુધી મતદાન માટે જવું પડતું હતું જે સમસ્યા દૂર થઈ છે વધુમાં તેઓએ જણાવ્યું હતું કે સૌથી મોટી સમસ્યા અમારા ગામમાં વીજળીની સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી પીવાના પાણીની સમસ્યા પણ હોવાનું જણાવ્યું હતું પીવાનું પાણી દસ કિલોમીટર દૂરથી લાવવું પડતું હોવાનું જણાવ્યું હતું પાણી ટેન્કરથી લાવવું પડતું હોવાનું જણાવ્યું હતું અહીં માર્ગની સમસ્યા मेरा नाम मोहम्मद भाई हसन भाई जतपुर मेरा नाम मोहम्मद भाई हसन भाई जत गांव आलिया बेट ताल्लको आगरा डिस्ट्रिक्ट भरूच और आलिया बेट में करीबन 140 घर है जो 500 की आबादी रहती है और बरसों से पाँच छः पीढ़ी से हमारे बाप दादाओं से हम इधर एक गांव में बसे हैं और 2022 से अभी 2024 तक जो भी हमारे चुटनी आती है लोकसभा विधानसभा हम पूरा यहाँ मतदान करते और सरकार श्री ने हमको मतदान इधर दिया है तो वो अच्छी बात है हमारे आगे जाने के लिए जो जाना पड़ता था तो वो तकलीफ जाने की हमारी कम हुई है लेकिन इससे बड़ी समस्या गांव की जो है वो समस्या ये यहाँ पूरे गांव के अंदर बिजली का कनेक्शन नहीं है बिना बिजली के लोग रहे हैं और जो गांव है उनमें पीने का जो पानी की समस्या है वो उनसे ज़्यादा है क्योंकि पीने का पानी करीबन दस किलोमीटर से दूर से लाना पड़ता है टैंकर से तो वो हमारे घर के खर्चे से लाना पड़ता है और यहाँ लोग रहते हैं उनका पूरा व्यवसाय पशुधन के साथ जुड़ा हुआ है वो पशुधन पे रहते हैं और सब जो आर्थ, आर्थिक परिस्थिति से मतलब नॉर्मल परिस्थिति से गरीब परिवार रहते हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा रोड रास्ता बिजली और पानी सबसे सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये यह है यहाँ पर जो भी कम्युनिटी रहती है वो ज़्यादातर जट कम्युनिटी है जो बेसिकली कच्छ से होकर के आते हैं आ, उन, आ, तक, आ, उन लोग अभी तक उन लोगों का जो व्यवसाय है वो टोटली पशुपालन का है तो उसकी वजह से यहाँ पर भी अगर हम लोग इलेक्शन के बारे में अगर देखें तो ये लोग सुबह में खुद अपना कुछ दूध वगैरह जो निकालते हैं उनको देने के लिए जाते हैं तो ये सारा काम रहता है उसकी वजह से वो लोग कुछ एक टाइम में आए हैं अब तक यहाँ पर परसेंटेज अगर देखेंगे तो करीबन सिक्सटी परसेंटेज के आसपास का अभी तक का वोटिंग हुआ है और कुछ कम्युनिटी उसके आगे भी रहती है उनका डिस्टेंस भी शायद कुछ पाँच छः किलोमीटर का होना चाहिए तो वो लोग कुछ कैमल के साथ में उनका पशुपालन कुछ होता है तो वो लोग अपने टाइम के हिसाब से आएंगे तो वो शायद पाँच बजे के आसपास कुछ आ सकते हैं तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि कुछ सेवेंटी परसेंटेज के आसपास कुछ वोटिंग होना चाहिए हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं